हमने ये तीन मुल्जमान हैं तनवीर इम्तियाज अहमद अली, हमने इनको गिरफ्तार किया है और इनके ये चोरी और डकैती की वारदातों में मुलव्वस थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये तकरीबन 32 मुकदमात बनते हैं जिनमें इनको गिरफ्तार करके उनसे रिकवरी की है। ये रिकवरी आपके सामने है, कुछ चीज़ें जो है वो मतलब सुपुर्दारी पे गई हुई हैं, लेकिन वो ये एक जेवर है वो उन्होंने ऐसे हुआ था कि इन्होंने जिस बंदे से ये जेवर छीना था उसको पहले पता नहीं था इनका। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इनको गिरफ्तार किया है। वो वैसे ही किसी और काम के सिलसिला में आया तो उसने देखा है कि ये तो इन लोगों ने मेरे साथ भी वारदात की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कामयाब हुए हैं कि पूरे का पूरा जेवर उसका हमने रिकवर करवा के दिया है। इसी तरह ये इम्पोर्टेड कपड़ा है जो कि बहुत कीमती है, ये तकरीबन 12-13 लाख का कपड़ा है और भी पड़ा हुआ है, ये हमने नमूने के तौर पे हमने इधर रखा है। तो ये इम्पोर्टेड कपड़ा है, बहुत कीमती है, हमने ये भी उन्हीं डकैतों से हमने रिकवर किया है। इसी तरह ये लैपटॉप है, ये दूसरा सामान है, ये टूटियाँ वगैरह हैं जो घरेलू सामान चोरी करते थे वो भी हमने उनसे रिकवर किया है। 12 मोटरसाइकिल हैं वो हमने रिकवर किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी टीम और जनाब DSP साहब इसमें खसूसी दिलचस्पी लेते हैं, जनाब SP साहब और जनाब DPO साहब भावलनगर, उन्होंने हमें ये टास्क दिया था कि आपने इन लोगों को ये जितने भी मुकदमात हैं इनमें मुलव्वस लोगों को आपने गिरफ़्तार करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो टास्क मेरे अफसरान बाला ने जनाब DPO साहब ने हमें दिया था इसमें मेरी टीम, मैंने और जनाब DSP साहब ने खसूसी दिलचस्पी लेते हुए इस पर काम किया है।